एक टेम्पो खाई में गिर जाता है जिसमें 14 लोग घायल हो जाते हैं और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रियासी में लाया जाता है। ये जो मामला है जिला रियासी के बक्कल क्षेत्र का है, वहां पर पारस कंपनी का कार्य चल रहा है और जितने भी ये वर्कर्स थे, जितने भी ये लोग थे, ये पारस कंपनी में काम करते थे और ये टेम्पो जो है बक्कल से रियासी की ओर आ रहा था, जिसके टाइम की बात की जाए करीब 8:30 बजे के करीब ये टेम्पो बक्कल से निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर ये खाई में गिर जाता है, जिससे 14 लोग घायल हो जाते हैं और मिली जानकारी के अनुसार इस टेम्पो में 19 के करीब चालक के साथ ये 19 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और बाकी जो है उसमें से ठीक हैं और उनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रियासी में लाया गया है। कुछ व्यक्तियों का अब नाम आपको बताएंगे, जिसमें राणा दास है जिसकी उम्र 22 वर्षीय है, ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और आपको बता दें मजफूर हुसैन है जिसकी उम्र 20 वर्षीय है, ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और इद्रुस का नाम एक अद्रुस नाम है और ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 16 वर्षीय है। और आपको बता दें अबरूफ विश्वास है, इसकी उम्र 31 वर्षीय है और ये जो है वेस्ट बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें एक बिक्की दास है और इनकी उम्र 22 वर्षीय है, ये भी उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल के रहने वाले बताया जा रहे हैं। और आपको बता दें देवाशीष मंडल है जिसकी उम्र 19 वर्षीय है, ये भी वेस्ट बंगाल के बताया जा रहे हैं। आपको बता दें इसके साथ में कुछ जानकारी हमारे पास और पहुंची है, जिसका नाम अंसर दास है जिसकी उम्र आपको बता दें 29 वर्षीय है और ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें एक कुलदीप सिंह है जिसकी उम्र 29 वर्षीय है और उधमपुर के बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें टेम्पो का नंबर बता दें JK02AR1250, ये गाड़ी का नंबर है, उस टेम्पो का नंबर है। और आपको बता दें बक्कल से ये ग्रामोड की ओर आ रहा था और जैसे ही बक्कल के नजदीक ही कुछ एरिया में पहुंचते हैं और वहीं से खाई में गिर जाते हैं, जिससे 14 लोग घायल हो जाते हैं और प्राथमिक उपचार के जिला अस्पताल रियासी में ला जाता है। ये जो जितने भी ये लोग थे ये पारस कंपनी में कार्य कर रहे थे और इनकी वापसी जब ग्रामोड की ओर हो रही थी, इसके चलते हुए बक्कल के पास पहुंचते ही ये टेम्पो खाई में गिर जाता है, जिसमें 14 लोग घायल हो जाते हैं और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रियासी में ला जाता है। फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद। स्ट्रक्चर फ्री करी भी आते हैं।